चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सरदार आरिफ अली साहब को आंखें दिखा दी कि आप कौन होते हैं मुझे खत लिखने वाले कि मैं आकर आपसे मुलाकात करूं, आम इंतखाबात के हवाले से डेट तय करूं। और जस्टिस आमिर फरूक साहब भी कुछ कम पीछे ना रहे। जस्टिस आमिर फरूक साहब से जो तवक्को की जा रही थी और जिस तरह से हम ये सोच रहे थे कि जस्टिस आमिर फरूक साहब आज की समाअत के अंदर केस को अगले दिन के लिए मुलतवी कर देंगे, बिल्कुल आज वैसा ही हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद मुस्तहसन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन करम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तोशाखाना केस के हवाले से अहम तरीन समाअत इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली के ऊपर जिस तरह से आज की समाअत हुई उससे भी आपको आगे चलकर आएगा आगाह कर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी तोशाखाना केस के हवाले से ये जो जस्टिस आमिर फरूक साहब का फैसला था उसके खिलाफ जो अपील दायर की गई थी बैक वक्त, आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर भी 8 मिनट की मुख्तसर तरीन समाअत हुई। क्या मामला हुआ और ये जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो समाअत है वो अगले हफ्ते तक मुलतवी क्यों की गई? यानी कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो कि एक दिन के अंदर फैसला देने वाला था उस हफ्ते इस समाअत को अगले हफ्ते के लिए मुलतवी क्यों कर दिया? इसके ऊपर गुफ्तगू करते रहे कि जिस तरह से सरदार आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था उसका जवाब भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, यानी कि उन्होंने सही तरीके से चीफ इलेक्शन कमीशन ने सरदार आरिफ अलवी साहब को आंखें दिखा दी कि आप कौन होते हैं मुझे खत लिखने वाले कि मैं आकर आपसे मुलाकात करूं, आम इंतखाबात के हवाले से डेट तय करूं। यानी कि जो हमने जिस तरह से प्रिडिक्शन की थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर आरिफ अलवी साहब से नहीं मिलने जाएगा, बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरी और कुछ ऐसे लोगों की तवक्कोआत के ऊपर पूरा उतरे। और जस्टिस आमिर फरूक साहब भी कुछ कम पीछे ना रहे। जस्टिस आमिर फरूक साहब से जो तवक्को की जा रही थी और जिस तरह से हम ये सोच रहे थे कि जस्टिस आमिर फरूक साहब आज की समाअत के अंदर केस को अगले दिन के लिए मुलतवी कर देंगे, बिल्कुल आज वैसा ही हुआ। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तोशाखाना केस के हवाले से अहम तरीन समाअत हुई। समाअत के शुरू में ही लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दी, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए ये अच्छी खबर नहीं थी कि शुरू से ही तोशाखाना केस के जो वकील थे ख्वाजा हारिफ साहब, उन्होंने आज खैर बात कह दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को कि वो अब किसी भी केस के अंदर इमरान खान साहब की वकालत अभी के लिए नहीं करेंगे डिसिप्लिन के लिहाज से, जो कि अभी तक खबर निकल कर रही है। चले इस मौजू के ऊपर अभी गुफ्तगू नहीं करते, आगे चलकर कभी किसी और वीडियो के ऊपर ख्वाजा हारिफ साहब के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह से उनके मुंशी को अगवा किया गया और ये भी मुबैना तौर पर जराए से खबरें निकल कर आ रही है उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी दाल के अंदर कुछ काला है और या तो फिर पूरी दाल ही काली है। जस्टिस आमिर फरूक साहब ने आज केस की समाअत करते हुए सरबराही की और यहाँ पर आप ये देखिए कि लतीफ़ खोसा साहब जैसे ही उन्होंने दलाइल देना शुरू किए कि हम इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली के हवाले से यहाँ पर हम आर्गुमेंट्स दे रहे हैं कि उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल की जाए। अच्छा, आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आएगी कि मुअत्तल और कालादम में फ़र्क है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली के हवाले से केस दायर किया हुआ है, सज़ा कालादम करार देने के ऊपर केस दायर नहीं किया हुआ। ये अगर आम अल्फाज में आपको बताऊँ सज़ा मुअत्तली का मतलब ये कि फौरी तौर के ऊपर इमरान खान साहब को रिहा करके ये जो केस का फैसला अभी से रोक दिया जाए जब आगे तक इसका मुकम्मल तौर पर फैसला नहीं आ जाता। और अगर सज़ा कालादम की बात करूँ सज़ा कालादम का मतलब ये कि जो मुकम्मल तौर के ऊपर जो जज हुमायूं दिलावर ने यह फैसला किया था उसे ही उड़ा दे। ये सज़ा यहाँ पर कालादम जिस तरह से आज एडवोकेट और मैं कहूँ कि सीनियर लतीफ़ खोसा साहब ने यह कहा कि हम यहाँ पर अभी फिलहाल तो यही चाहते हैं कि इमरान खान साहब की जो सज़ा है उसे मुअत्तल किया जाए, इमरान खान साहब की सज़ा कालादम के हवाले से हम एक और पटिशन दायर करेंगे। 3 साल की सज़ा है यानी कि कम से कम सज़ा, इसके ऊपर बिल्कुल पहली समाअत के ऊपर ही मुलजिम को आप देखिए कि बेल के ऊपर बार यकीन कर जमानत दे दी जाती है। एक वक्त के ऊपर जस्टिस आमिर फरूक साहब ने भी इस चीज़ को माना कि 3 साल की सज़ा के ऊपर फौरी तौर के ऊपर मुलजिम को यहाँ पर रिलीफ दे दिया जाता है, जमानत दे दी जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि जब इलेक्शन कमीशन के वकील परवेज़ अमजद परवेज साहब ने अपने आर्गूमेंट स्टार्ट किए उसके बाद आप ये देखिए कि बैक वक्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर भी समाअत शुरू हो गई 8 मिनट की मुख्तसर तरीन समाअत, जिसके अंदर ये चीज़ तय हुई कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले के ऊपर फैसला नहीं देती तब तक हम सब्र कर लेते हैं। लेकिन वो सब्र फिर सब्र का पैमाना लिब्रेज ही हो गया और इलेक्शन कमीशन के जो वकील है वो आर्गुमेंट्स देते रहे और तकरीबन वक्त बहुत आगे निकल चुका था। मुख्तसर आपको बताता हूँ, जस्टिस आमिर फरूक साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा अमजद परवेज साहब से कि आपको आर्गुमेंट्स के लिए दलाइल के लिए कितना वक्त दरकार है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दे कि मुझे 2 से 3 घंटे चाहिए। तो फिर यहाँ पर जस्टिस आमिर फरूक साहब ने इस केस को कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया और ये कहा कि आप कल अपने दलाइल को मुकम्मल करें क्योंकि अगर आप अब 3 घंटे लेंगे तो फिर ये वक्त बहुत आगे चला जाएगा।
यहाँ पर आप ये देखिए कि फिर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर भी जस्टिस मजार अली पर नकवी साहब लाहौर के लिए रवाना हो चुके थे 3 बजे के बाद, तो फिर जरा से ये भी खबरें निकलने कर आना शुरू हो गई कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले के ऊपर भी समाप्त नहीं करेगा। और ये भी खबर निकल कर आ चुकी है जी आप सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ये जो तोशाखाना केस के हवाले जस्टिस आमिर फरूक साहब के फैसले के खिलाफ जो तहरीक इंसाफ की वुकला ने पिटीशन दायर की थी वो अगले हफ्ते अब समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक अब ये चीज़ आ चुकी है सामने के जनाब करा। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगले हफ्ते इसे देखेगा। नाज़रीन आप ये देखिए कि सदर आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था कि जनाब आप आए मेरे साथ बैठे मीटिंग करें, इलेक्शन की डेट हम बैठ कर तय करते हैं, क्योंकि जो कौमी असम्बली की समरी थी तहलील के हवाले से मैंने उसके ऊपर दस्तखत किए थे और मैंने दस्तखत किए तो इस हवाले से इंतखाबात की तारीख भी मैंने देनी है। तो यहाँ पर अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा सुल्तान साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब को जवाब दे दिया कि आर्मी एक्ट यहाँ पर ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास कराया था शहबाज हुकूमत, मेरे जहन में वो दरअसल आर्मी एक्ट घूम रहे और घूम रहे, और ये भी मेरे जहन में आ रहा है कि जो आर्मी एक्ट जो तरमीमी बिल था वो भी अभी उसे खामोशी लग पड़ी है। मैंने आपको पहले बताया था कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब जस्टिस काजी फैजी साहब के कंधों के ऊपर डालना चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे शहबाज शरीफ साहब ने ये एक बिल पास कराया था इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जिसके अंदर सदर से ये इख्तियार लेके कि वो इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं ये इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया था। तो आज इस मौके का और इस बिल का फायदा उठाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा सुल्तान साहब ने जवाबी खत पे ये लिखा कि सदर साहब इलेक्शन तरमीमी बिल के अंदर आप कमीशन को इख्तियार है कि जी इंतखाबात के हवाले से तारीख कब देनी है और कब नहीं देनी, तो फिर हम ये हमारा काम है हम करेंगे, तो लिहाजा आपसे मुलाकात नहीं की जा सकती क्योंकि आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है। और उसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब यानी कि ऐवान सदर ने यहाँ पर आप ये देखें कि हुकूमत की जानिब से वजीर कानून से भी इस चीज़ के ऊपर अब मामला तलब कर ली कि आप बताएं कि अब ये इख्तियार किसका है। लेकिन नाज़रीन आप ये देखें कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ पर अमेरिका के एम्बेसडर से भी मुलाकात की डोनाल्ड ग्रूम से, और आप ये देखें कि लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात नहीं की। तो यहाँ पर ये भी बात निकल कर आ रही है कि जनाब इकराम ये जो बोली जा रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये अमेरिका की जबान है, ये कोई वक्ती जबान नहीं बोल रहे। नाज़रीन ये देखिए कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी आप उनकी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी, नवाज शरीफ साहब भी काफ़ी हद तक अब बुखला चुके हैं क्योंकि इमरान खान साहब की जो ये केस के अंदर बंद किए गए तोशाखाना केस ये बिल्कुल आप कहूँ कि इसकी जो बुनियाद है वो ही कमज़ोर है, यानी कि केस काबिले समाप्त ना काबिले समाप्त होने के ऊपर भी ये केस काफ़ी कमज़ोर है। हक के दिफा नहीं दिया गया जो कि जस्टिस आमिर फरूक साहब ने आज माना कि ये बात तो सच है कि आपने मुलजिम से हक के दिफा छीन लिया। और ये देखिए कि जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को नाकाबिले समाप्त करार दिया था और उससे छोटी अदालत यानी कि मातहत अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को उड़ा दिया, ये आने वाला दिन ही बताएगा कल अब इस मामले के ऊपर क्या आगे लेकर निज़ाम चलता है और क्या नहीं चलता। फिर ऐसे मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर आगाह करें, तब तक के लिए शुक्रिया।